बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम 25th सेशन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 91 से ऑनवर्ड 100 की तरफ हम मूव करेंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल बैलेंस फॉर एन एक्सपेंस अकाउंट? अगर एक्सपेंस अकाउंट की हम बात करें तो इसका नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, डेबिट इन नेचर। ओवरऑल अगर इसकी अकाउंट बैलेंस नहीं है तो बैलेंस नील है तो ज़ीरो है, लेकिन नेचर की बात की गई है कि जो एक्सपेंस अकाउंट है इसकी नेचर डेबिट नेचर की है, और इनकम की बात की जाए तो वो क्रेडिट नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 92, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जनरल जनरल टू द जनरल लेजर इज कॉल्ड। के जब हम एंट्री जनरल जनरल में पास करते हैं और उसके बाद वहाँ से हम ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं और रेलिवेंट एक लेजर बनाते हैं, तो लेजर में लेके जाने का अमल जो है इसको क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग, ट्रांसफरिंग, पेस्टिंग या पोस्टिंग? तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, इस अमल को जनरल जनरल से लेजर की तरफ जितनी हम ट्रांजेक्शन को लेके जाते हैं इस अमल को पोस्टिंग का अमल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, टोटल सेल्स फॉर अगस्त इंक्लूडिंग 7% सेल्स टैक्स वाज 21,400, व्हाट वाज द एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू? यानी कि जो आपकी सेल्स है इंक्लूडिंग टैक्स 7% जो कि है, तो इसका सिंपल है 21,400, इसका 7% आप लें तो ये बनता है 1,400। तो 21,400 में से 1,400 माइनस करें तो ये बैलेंस 20,000 आ जाता है। तो जो प्योर सेल्स थी उनका बैलेंस वो है, ऑप्शन बी ठीक है, यानी इसमें अगर आप टैक्स 1,400 ऐड करेंगे तो ये 21,400 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, द एब्रीवेशन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट जिसको डी आर एंड सी आर लिखते हैं कम फ्रॉम देयर व्हाट लैंग्वेज एंड मीन व्हाट? कि ये कौन सी लैंग्वेज का है और इसका मतलब क्या होता है? तो ये लैटिन जुबान का है और इसका डेबिट का मतलब होता है डेबरी, और क्रेडिट क्रेडिट वर्ड हैं जिनसे इनके ये शॉर्ट टर्म में हम लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट। ऑप्शन इसका ए ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस शीट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड कैपिटल एसेट्स? कि वो बैलेंस शीट की कौन सी टाइप है जो करंट एसेट्स और कैपिटल एसेट्स में फ़र्क करता है? तो ये हमारे पास जो बैलेंस शीट की टाइप्स होती हैं वो क्लासिफाइड हैं, ग्रिगोरियन है, नॉर्मल है, केंशियन है। तो इसमें क्लासिफाइड जो बैलेंस शीट है वो करंट और कैपिटल एसेट्स में डिस्टिंक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज़ एन अकाउंट व्हाट इन दैट इन्वॉल्व एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन अकाउंट? तो वो कौन सा अकाउंट है जिसमें यानी कि एक्सपेंसेस का भी अकाउंट बनता है, लॉसेस का भी, इनकम का भी और गेन का? ऑप्शन है हमारे पास बेसिक अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, स्पेंडिंग अकाउंट और नन। तो इसमें जो नॉमिनल अकाउंट है इसमें अलग अलग एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, इनकम के और गेन के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज़ ए सैलरी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम? कि सैलरी को इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम अगर हम समझा जाए तो इसको किस लिहाज से हम देखेंगे? ऑप्शन हमारे पास ए, एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉयर एंड इनकम फॉर एम्प्लॉय। ये तो ऑप्शन ठीक है, यानी कि जो आप सैलरी पे करते हैं तो अगर एम्प्लॉयर हैं तो आपके लिए एक्सपेंस होगा और एम्प्लॉय है तो उसके लिए इनकम होगी। ऑप्शन बी देखते हैं, एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉयर एंड इनकम फॉर कस्टमर। ये नहीं है, इसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता सैलरी में। एक्सपेंस फॉर मैनेजर एंड इनकम फॉर ऑनर, ये भी गलत है। एक्सपेंस फॉर कस्टमर एंड इनकम फॉर एम्प्लॉय, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या मुराद हम लेते हैं? तो ऑप्शन पहले हमें देखने होंगे, द नेक्स्ट बेस्ट अंडरगॉन अल्टरनेटिव। तो अंडरगॉन कोई अकाउंटिंग के वर्ड नहीं है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी नहीं है। द नेक्स्ट बेस्ट ट्रांसफर अर्निंग, ये भी नहीं है। द नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन अल्टरनेटिव, तो ये ऑप्शन डी ठीक है। अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में सिर्फ फ़र्क का जो वर्ड का है फॉरगॉन
और ऊपर है अंडरगॉन, तो अंडरगॉन कोई वर्ड नहीं है, फॉरगॉन जो होता है, फॉरगॉन अल्टरनेटिव, यानी कि अगर फर्ज की आपको दो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आती है, एक जगह पे आपकी सैलरी 60,000 है, दूसरी जगह पे 55,000 है, अगर आप 60,000 वाली जॉब को ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और 55 वाली जाने देते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या थी, 60 वाली जो आपने चूज़ कर ली, और फॉरगो कौन सी जाने दी आपने जो 55 वाली है, सेकेंड बेस्ट वो थी जो आपने जाने दी, इसलिए इसको कहते हैं द नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन अल्टरनेटिव। अगर आपके पास वो 60 वाली ना होती तो 55 वाली आप चूज़ कर लेते हैं, तो ये आप इसका मतलब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट हैपन इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट, ये ऑप्शन ठीक लगता है। अगला भी देख लेते हैं, फॉर एवरी लाइबिलिटी देयर इज एन इक्वल क्रेडिट, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एसेट, नहीं ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा, देयर इज नो सच थिंग एज डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन ए जो है इसका ठीक है। जितनी आप डेबिट एंट्री पास करते हैं उतनी ही आप उसकी क्रेडिट एंट्री भी अमाउंट उसकी बराबर पास करते हैं। अच्छा, इसके बाद इन द बैलेंस, इन द टर्म बैलेंस सी डी, हम अक्सर जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें से जो बैलेंस हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का है उसको सी डी हम करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है सी डी का, इसका मतलब होता है कैरी डाउन। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा ठीक है, कार्ट डाउन या कैरी डज इट, कार्ट डज इट, ये गलत है। तो कैरी डाउन इसका मेन जो है वो सही जवाब है, जो कि ऑप्शन बी है हमारे पास। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, और आप हमारे कंप्लीट इस तरह के जो ट्यूटोरियल चल रहे हैं सीनियर ऑडिटर के लिए या कॉमर्स के में, जो भी आप कहीं अप्लाई करते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।